सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटीक्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लक्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1-800-21-23-494 पर। कोई बात नहीं। सांगवान जी, स्पीकर सर आपका धन्यवाद जो आपने मुझे टाइम दिया। मैं दो तीन चीज आपके संज्ञान में लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने दादरी को बहुत बड़ी सौगात, दादरी को जिला बनाया, मेडिकल कॉलेज दिया, कॉलेज सरकारी कॉलेज बनाया और सीवर पीने के पानी और रेन वाटर के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर किया और 25 गांवों की समस्या जो पानी बढ़ता था उसकी समस्या का समाधान किया। इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दादरी के अंदर बहुत कुछ काम अभी पेंडिंग है। नया जिला बनाया, दादरी से खैरड़ी मोड़ तक इस रोड को 4 लेन बनाया जाए, रोहतक रोड पर जो ओवरब्रिज मंजूर हुआ है 29 करोड़ रुपया, उस पर काम शुरू किया जाए। सरकारी कॉलेज में स्टाफ की कमी है, वैसे तो पूरे हरियाणा में है कि एजुकेशन के बगैर किसी देश और प्रदेश की प्रोग्रेस नहीं हो सकती, इसलिए पूरे हरियाणा के अंदर ही टीचर और प्रोफेसर की जो कमी है उसको तुरंत प्रभाव से बच्चों के भविष्य के लिए उसको जरूर अपॉइंटमेंट किया जाए। 203 एकड़ सीसीआई सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दादरी के अंदर बहुत बड़ी लैंड है, उसका कोई कॉमर्शियल सेक्टर काट के यूज किया जाए तो बच्चों को रोजगार मिले। शहर के चारों तरफ एक बाईपास बनाया जाए और शहर के अंदर रोडों की बहुत बड़ी दुर्दशा है। दुष्यंत चौटाला जी चले गए, इनकी तो वैसे भी कर्मशक्ति है, जो 25 करोड़ की प्लान 3 बार लिख के भेज दी उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जो शहर की समस्या का समाधान किया जाए। महेंद्रगढ़ बाईपास से लेके रावड़ी बाईपास, रोडों की बहुत दुर्दशा है, रोड़ों की बहुत दुर्दशा है, तो लोग इंद्र कल्याण जी बड़े परेशान रहे, तो मेरा निवेदन यह सड़कों की कह दो रोडों की। एक मिनट उनको बोल देने दो, उनको बोल देने दो, एक मिनट कल्याण जी उनको बोल दो। माननीय शिक्षा मंत्री जी दो चीज माननी पड़ेंगी, एक तो एजुकेशन में टीचर की और प्रोफेसर की कमी है और रोडों की बुरी हालत है, ये दोनों चीज सुधार करनी। दूसरी एक कोई बात करनी, मैं ये कहना चाहता हूँ आज जितना भी जल्दी हो सके जितने काम पेंडिंग है दादरी हलके के, कि नया जिला बनने के कारण सबसे ज्यादा काम जरूरत है, कनेक्टिविटी होने के कारण दिल्ली के नजदीक और गुड़गांव के नजदीक होने के कारण अगर बढ़िया सेक्टर कॉमर्शियल डेवलप किया जाए तो रोजगार मिलेगा और बच्चे उभरने के लिए मौका मिलेगा। एक मेरी लास्ट डिमांड इसमें एक और है, पूरे हरियाणा में नहीं हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन का हब है सरकी दादरी, चाहे रेसलिंग हो, कबड्डी हो, बॉक्सिंग हो, टुब्बा के नाम से भी जानते हैं भैंड जिले को, वहां अगर सरकार एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे दे तो आने वाले टाइम में बहुत से मेडल ओलंपिक के और ज्यादा लेने में पूरी भागीदारी मिल सकती है। इसलिए मेरी सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि जितना भी हमारे स्पोर्ट्स मंत्री बैठे हैं, 3-4 छोटी छोटी जो नर्सरी थी वो भी माने संदीप जी आप लोगों ने कैसे क्या कारण है कि वो नर्सरी भी बंद कर दी, उनको चालू किया जाए और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दादरी को दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा मेडल के शारीरिक कद काठी मजबूत होने के कारण दादरी की ताकत इसमें ज्यादा मेडल मिल सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि जो जो भी काम पेंडिंग है, किसी भी प्रकार की जो भी समस्या है, उनका तुरंत प्रभाव सरकार अमल में लाकर समस्या का समाधान करना काम करें। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।